Today's lecture is past simple. The old name of this lecture is past indefinite. The new name is past simple. And we are going to learn the past simple non-action or stage. You know, for nowadays, for some days, we people are learning the non-action state verb. And so far, we have done one lecture, that is present simple non-action. And I hope you remember, before teaching present simple, I gave you complete background of a state verb, that what is a state verb, why do we use. Let me give you again. हमने पहले ये background किया हुआ इसका, एक lecture पढ़ा हुआ इस family का. हमने इस lecture, इस family का एक lecture पढ़ा हुआ है. वो पढ़ा हुआ है present simple, और आज का lecture है past simple. Okay? Present perfect भी है, but no doubt. Present simple, and now we have past simple. सबका ध्यान रहे. ये lecture पढ़ाने से पहले, जब present simple मैंने पढ़ाया था, प्रेजेंट सिंपल नॉन एक्शन या स्टेट जब भी मैंने पढ़ाया था उससे पहले मैंने वर्ब का सारा बैकग्राउंड दिया था. एक दफ़ा फिर एक ओरली हो जाए वर्ब का बैकग्राउंड. भाई इंग्लिश में जहाँ बहुत सारे वर्ड हैं, क्वांटिफायर्स हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं वर्ब. जिसकी डेफिनेशन है वर्ब एक ऐसा अल्फाज होता है, अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट. वर्ब एक ऐसा अल्फाज है जो क्या शो करता है, या तो वो एक्शन शो करता है, हाँ, या वो स्टेट शो करता है. वर्ब ऐसा अल्फाज है, या तो वो एक्शन शो करता है या वो स्टेट शो करता है. और वर्ब होते भी कितने हैं, एक एक्शन वर्ब होता है और दूसरा नॉन एक्शन वर्ब होता है. एक्शन वर्ब और दूसरा नॉन एक्शन वर्ब, यही डिस्कस किया था हमने. एक्शन वर्ब बहुत सारे होते हैं, हाँ बहुत सारे होते हैं, और फिजिकल यानी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए काम होता है. और स्टेट वर्ब क्या होते हैं, नॉन फिजिकल होते हैं. नाम से ही समझ आ रहा है, स्टेट यानी नॉन फिजिकल, इसमें कोई बॉडी का इस्तेमाल करते हुए काम नहीं होता. और ये एक्शन वर्ब अनकाउंटेबल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, प्ले, रीड, राइट, कम, गो, सी, वॉच, स्पीक, बहुत सारे होते हैं. और बात की जाए स्टेट वर्ब की, तो ये बेचारे बराए नाम होते हैं, थोड़े से होते हैं. कितने होते हैं, 11. बराए नाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉमिनल, नॉमिनल बराए नाम, बराए नाम बहुत ही कम. ओके, ये कितने होते हैं, नॉमिनल होते हैं स्टेट वर्ब, गिने चुने. कितने होते हैं, ये भी हमने लिखवाया था, 11 होते हैं. तो जरा मुझे याद करवा देंगे 11 कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, बी इज एम आर, कंडीशन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए हैव और हैज, वेरी गुड तारिक काशिफ. और सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज वर, कंडीशन के लिए. प्रॉपर्टी के लिए क्या होती है, हैड. कंडीशन के लिए थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन. प्रॉपर्टी के लिए हैड. हमें अच्छे से स्टेट वर्ब समझने के लिए अच्छे से ये चार्ट याद करना होगा. याद है, वेरी गुड, अच्छी बात है यार. फिर पहली बारी में याद कर लिया, वेरी गुड. तो ये है वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. ये वाला हिस्सा जो है ये कंडीशन के लिए, और ये वाला हिस्सा प्रॉपर्टी के लिए. फिर मैंने कहा था कंडीशन को और मजीद तोड़ा गया है क्या, रिलेशन, प्रोफेशन, बिल्कुल सही, प्रोफेशन, एग्जिस्टेंस, इलनेस, इन चार टुकड़ों में तोड़ा गया है. प्रॉपर्टी को तोड़ा गया है, पोजेशन, इसको भी इलनेस, मिल्कियत, पार्ट्स ऑफ बॉडी. अगर इनको इन फर्दर टाइप्स में नहीं भी तोड़ा जाता तो ये दो भी काफी थे, कंडीशन और प्रॉपर्टी. ओके, तो एक ओवरव्यू लेते हैं, ओवरव्यू लेते हैं कि भाई वर्ब क्या होता है, अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट. वर्ब एक ऐसा अल्फाज होता है, या तो वो एक्शन को शो करता है या स्टेट को शो करता है. और वर्ब दो किस्म के होते हैं, एक होता है एक्शन वर्ब और एक होता है नॉन एक्शन वर्ब या स्टेट वर्ब. एक्शन वर्ब बहुत सारे हैं और उसमें बॉडी का इस्तेमाल करते हुए हम काम करते हैं, प्ले, रीड, राइट, कम, गो, सी, वॉच, इस तरीके से. ओके, और नॉन एक्शन क्या होते हैं, इनमें हम बॉडी का इस्तेमाल नहीं करते, इनमें कभी भी कोई काम नहीं होता, बल्कि कंडीशन और प्रॉपर्टी बताई जाती है. इवन आप देखेंगे कि स्टेट के मीनिंग भी दो ही होते हैं. डिक्शनरी आप खोल के देखें कि स्टेट के क्या मीनिंग है, तो
तो आपको पता चलेगा स्टेट का मीनिंग है कंडीशन या स्टेट के मीनिंग है प्रॉपर्टी. तो क्या परफेक्ट नाम रखा है, ये वाला नाम भी अच्छा है स्टेट और ये वाला भी अच्छा है नॉन एक्शन. और फिर हमने ये भी बात की थी कि कितने टेंसेस का नॉन एक्शन बनता है, 6 टेंसेस का नॉन एक्शन बनता है. प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट. तो अभी हम फ्यूचर परफेक्ट हमारा पढ़ना बाकी है. ये समझ आ गया, ये तो पता है आपको, एक जरा सा रिवीजन था. तो अभी हमारा फ्यूचर सिंपल पढ़ना बाकी है. अभी हमने सिर्फ सिंपल वालों में प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल आज पढ़े, पास्ट सिंपल. फ्यूचर सिंपल अभी पढ़ना बाकी है, हम फ्यूचर सिंपल कंप्लीट करना रहता है. वी आर येट टू कंप्लीट फ्यूचर सिंपल, नॉट टुडे, येट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. हाँ, छोटा सा स्मॉल लेक्चर, छोटा सा कभी जहन में आया तो मैंने कहा येट टू, जब कोई काम कंप्लीट ना हुआ हो. येट टू, आपने अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करवाए हैं तो क्या होगा सेंटेंस, यू आर येट टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स. आपने अभी तक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराए, जैसे वॉन्ट टू फ्रेज है ऐसे येट टू, यू आर येट टू सबमिट द डॉक्यूमेंट. ओके, मैं कहता हूं अली आ गया, आप कहते हैं अली अभी तक नहीं आया है. आप कैसे बोलेंगे, ही इज येट टू कम. हाँ, वो अभी तक नहीं आया है, वो अभी तक नहीं आया है. ही इज येट टू कम. ओके, वो अभी तक नहीं आया है, उन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है. यस आतिका, यस दे आर येट टू गिव टेस्ट. उन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है, दे आर येट टू गिव टेस्ट. आप बोलेंगे सर नहीं वर्ड इस्तेमाल हो रहा था इसमें, तो कहीं नॉट आ ही नहीं रहा. मैं कहता हूं येट टू का मतलब यही है कि एनीथिंग व्हिच इज नॉट कंप्लीटेड अप टिल नाउ. क्या मतलब है येट टू का, नॉट कंप्लीटेड अप टिल नाउ, यही तो मतलब है येट टू का, कि ऐसी कोई चीज जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है. ओके, मैंने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया है. यस, आई एम येट टू सबमिट असाइनमेंट, वेरी गुड. ओके, मैंने अभी तक ड्रेस नहीं खरीदा है. आई एम येट टू बाय ड्रेस. कैसा नेगेटिव सेंटेंस है, कहीं पे नॉट भी नहीं आ रहा और मतलब भी नेगेटिव निकल रहा है. क्यों, क्योंकि येट टू का मतलब ही क्या है, नॉट कंप्लीटेड अप टिल नाउ. आई एम येट टू बाय ड्रेस, खरीद लिया है ड्रेस तुमने, तो यस. तो आप बोलेंगे फिर आई एम येट टू बाय ड्रेस, मैंने अभी तक ड्रेस नहीं खरीदा. मैं कहता हूँ असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, आप कहते हैं सर अभी तक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया. I am yet to complete assignment. मैंने अभी तक assignment complete नहीं किया है. मैं कहता हूँ आपने presentation दे दी, तो आप कहते हैं सर हमने अभी तक presentation नहीं दी है. हाँ, yes, we are yet to give presentation. हमने अभी तक presentation नहीं दी है. We are yet to give presentation. क्या हमने lecture complete कर लिया है? No, we are yet to complete the lecture. ये तो इस लेक्चर ने जंप कर लिया बीच में, छोटे से लेक्चर ने, पता होना चाहिए येट टू. ओके, लेट मी कंटिन्यू. हम बात कर रहे थे नॉन एक्शन की, पास्ट सिंपल नॉन एक्शन वर्ब के बारे में. आपको पता है कि भाई एक एक्शन वर्ब होता है, एक स्टेट वर्ब होता है. एक्शन वर्ब बहुत सारे हैं, स्टेट वर्ब काउंटेबल हैं थोड़े से हैं. अब आ जाते हैं पास्ट सिंपल की तरफ. बड़ा ही खतरनाक लेक्चर है पास्ट सिंपल. इसका एक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं. इसका याद है एक्शन आपको? इसका एक्शन हमने पढ़ा था, हमारा था वो लेक्चर नंबर 5, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और फिर पास्ट सिंपल. लेक्चर नंबर 5 था. और मैंने पढ़ाते हुए बोला था पास्ट सिंपल कि हम इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो वीक होते हैं वो हमेशा पास्ट सिंपल में होते हैं. किसी सेकेंड फॉर्म लगती है, किसी से भी अगर हम टेस्ट लेते हैं तो उसके पास्ट के सर्कमस्टेंसेस. सर्कमस्टेंस का मतलब क्या है? हालात. सर्कमस्टेंसेस, हालात. जब भी हम कोई टेस्ट लेते हैं ना तो हमेशा पास्ट के सर्कमस्टेंसेस पूछते हैं. आपकी ईद कैसी रही, आपका कल का दिन कैसा रहा. मैं ज़्यादातर सवाल पूछता हूँ कि कोई 3 एक्टिविटीज़ बताएं जो आपने कल परफॉर्म की. तो उसमें पता है पास्ट में सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट में हम बड़े वीक होते हैं.
क्यों वीक होते हैं? इसीलिए एक्शन नॉन एक्शन, एक्शन इसका अलग है, नॉन एक्शन अलग है, लाइक दिस, इसलिए कंफ्यूज होते हैं. ओके, तो पास्ट सिंपल जो हमने एक्टिव पढ़ा था वो थोड़ा सा रिवाइंड कर दूं मैं आपको, रिवाइज कर दूं मैं, रिकॉल कर दूं. वो पास्ट सिंपल हमने पढ़ा था, क्या बात करता था पास्ट सिंपल? बात करता था एनी एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड एंडेड इन पास्ट. और पास्ट सिंपल का फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वाहिद इंग्लिश का टेंस है पास्ट सिंपल जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है. बाकी पूरी इंग्लिश में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं नजर आएगी सिवाय पास्ट सिंपल के. और जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको यह भी बोला था कि पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वो भी अफर्मेटिव में, नेगेटिव में नहीं. जब डिड नॉट लगेगा तो सेकंड फर्स्ट में चेंज हो जाएगी. और मैंने कहा था सबसे मुश्किल लेक्चर है, सबसे ज्यादा हमने इसकी प्रैक्टिस की थी पास्ट सिंपल की. मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट. मैंने दो शर्ट्स खरीदी, आई बॉट टू शर्ट्स. फिर मैं फूड कोर्ट गया, देन आई वेंट टू फूड कोर्ट. मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया, देन आई ऑर्डर्ड पिज्ज़ा. फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल की, देन आई कॉल्ड माई फ्रेंड. वो आधे घंटे बाद आया, ही केम आफ्टर हाफ एन आवर. ही केम आफ्टर हाफ एन आवर. इसी तरीके से सारी स्टोरी पास्ट की जब सुनाई जाती है उसमें पास्ट सिंपल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. एक्शन वाले की अभी बात कर रहा हूँ, एक्शन नॉन एक्शन दोनों ही करते हैं, मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ. जैसे एक और मैं कहता हूँ, आई वेंट टू यूनिवर्सिटी यस्टरडे, आई एंटर्ड इन अ क्लास, आई ओपन्ड माई बैग, आई टुक आउट माई कॉपी, आई स्टार्टेड राइटिंग लेक्चर, टीचर केम इन अ क्लास, ही एक्सप्लेन द लेक्चर, देन आई वेंट टू कैंटीन, आई एंजॉयड इन कैंटीन, आई वेंट टू द कैफेटेरिया, आई प्लेड सम गेम. ऑल द सेंटेंसेज आर इन पास्ट सिंपल. इतना इंपॉर्टेंट है पास्ट सिंपल. कभी भी पास्ट की कोई कहानी बताएंगे और आपको पता है हमारी कॉन्वर्सेशन में पास्ट कितनी बातें होती हैं. कल मैं यहाँ गया, मैंने ये किया, हमने यूँ किया, उसने ये बोला, मैंने ये बोला, ये सारी. तो पास्ट सिंपल हमें आना जरूरी है, एक्शन भी नॉन एक्शन भी. अच्छा, एक्शन वाला बात करता था, एनी एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड एंडेड इन पास्ट. ऐसा कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया. उसी का भाई जो है पास्ट सिंपल, नॉन एक्शन या स्टेट. आपको पता है नॉन एक्शन और स्टेट वाले में कभी भी कोई काम नहीं बताया जाता. हमेशा नॉन एक्शन का मतलब क्या है या स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट, कंडीशन एंड प्रॉपर्टी. नॉन एक्शन और स्टेट का मतलब कंडीशन और प्रॉपर्टी. तो पास्ट सिंपल का ये वाला नॉन एक्शन वाला हिस्सा क्या बात करता है? नोट, वी यूज इट फॉर स्टेट ऑफ पास्ट. हम पास्ट सिंपल का ये वाला हिस्सा यूज करते हैं किस लिए? पास्ट की कंडीशन और प्रॉपर्टी बताने के लिए. यानी ऐसी कंडीशन, ऐसी प्रॉपर्टी जो पास्ट में थी अभी हरगिज नहीं है, अभी हरगिज नहीं है. पास्ट में थी, अभी नहीं है. भाई मैं कहता हूं अबू बकर ही वॉज फैट, ये मोटे थे, मगर रमजान ने इन्हें क्या कर दिया, रोजों ने इन्हें क्या कर दिया, नाउ ही इज स्लिम. हाँ वाकई में काशिफ थोड़ा सा, काशिफ थोड़ा सा, चलो काशिफ पे आ जाते हैं. बाकी तो सब एक जैसे थे, सब स्लिम थे, काशिफ पे आ जाते हैं. या जैन हमारा जो है, जैन थोड़ा बहुत, नहीं हसन नहीं, जैन की बात कर रहा हूँ. जैन हमारा थोड़ा बहुत जो है ना वो ज़्यादा है, बाकी सब एक जैसे ही, सब एक ही थाली के क्या बोलते हैं, चट्टे बट्टे. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिप ऑफ सेम ब्लॉक, चिप ऑफ सेम ब्लॉक, एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब. वरना सब एक ही थाली के चट्टे, चिप ऑफ सेम ब्लॉक. काशिफ ने थोड़ा वेट कम किया, मैं कहता हूँ काशिफ वॉज फैट. तो पास्ट की कंडीशन बता रहा हूँ. एनीवे, तो क्या बात कर रहा था मैं? पास्ट सिंपल का ये वाला हिस्सा. एक्शन वाला तो क्या बात करता था? कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हो गया. ये नॉन एक्शन वाला क्या बात करता है? ऐसी कंडीशन, ऐसी प्रॉपर्टी जो पास्ट में थी अब नहीं है. इसे बताने के लिए भी सेम फॉर्मूला जो एक्शन वाले का था, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज डिड. बस फर्क क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है ये कौन सा वर्ब है, एक्शन या स्टेट? स्टेट वर्ब है. और जो अभी हमने चार्ट पढ़ा था उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या थी? वॉज वर्ब कंडीशन के लिए और प्रॉपर्टी के लिए हैड. यानी हमें पास्ट सिंपल नॉन एक्शन में इन्हीं तीन से काम चलाना होगा. क्या बताने के लिए? स्टेट ऑफ पास्ट, यानी पास्ट की कंडीशन, पास्ट की प्रॉपर्टी. ओके, जैसे एग्जाम्पल लिखी हुई है, मैं कहता हूं हसन कोई पास्ट की कंडीशन बता दें, ऐसी हालत जो पास्ट में थी अब नहीं है. कहते हैं सर आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर था. आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर था, मगर अभी नहीं है ये. हाँ हाँ, तो ये आई जो है ये क्या है? ये आई सब्जेक्ट है. अ टीचर फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है. ये वॉज क्या है? वर्ब सेकेंड फॉर्म. क्या बता रहे हैं? पास्ट की कंडीशन बता रहे हैं. यही तो बात करता था स्टेट. ये कंडीशन वाला हिस्सा है ये वाला.
I was a teacher. मैं टीचर था. मैं टीचर नहीं था. I was not a teacher. मैं टीचर नहीं था. सही है? कहते हैं सर नहीं, मेरा थोड़ा दीन ईमान था तो इसलिए I was not a teacher. मैं टीचर नहीं था. Was I a teacher? क्या मैं टीचर था? He was my friend. He was my friend. ये मेरा दोस्त था. He was not my friend. आप देखते हैं तारिक को सिगरेट विगरेट पी रहे खड़े होके, सही है? आप अपने फादर के साथ जा रहे हैं, बोलते हैं अब मेरा दोस्त नहीं है, वरना ही वॉज माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त था. यही तो बात हो गई रिलेशन जो हम बात कर रहे थे, कंडीशन, रिलेशन, प्रोफेशन. ये प्रोफेशन हो गया आई वॉज अ टीचर, ही वॉज माई फ्रेंड, ये रिलेशन हो गया ही वॉज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त था. दे वर इन क्लास, ये एग्जिस्टेंस मौजूदगी हो गई कि वो लोग क्लास में थे. दे वर इन क्लास. अबू बकर वॉज माई क्लासमेट. ओके, अभी भी है. हाँ, फॉर एग्जाम्पल फॉर मेकिंग प्रैक्टिस, यस. शी वॉज इल, वो बीमार थी. हफ्सा, हमने पहले भी डिस्कस किया. मैं कहता हूँ क्यों नहीं आई भाई कल, क्यों नहीं आई आतिका, क्यों नहीं आई कल? तो कहती हैं सर, सब कहते हैं सर शी वॉज इल, ये इसलिए नहीं आई कल क्योंकि शी वॉज इल, ये बीमार थी, मगर रीजन कुछ और है. ओके, शी वॉज इल. She was ill. I know you people are pitching the story. आप लोग बहाने बना रहे हैं. Pitch the story, बहाने बनाना. Pitch the story, बहाने बनाना. तो आप कहते हैं she was ill, वो बीमार थी. तो ये हो गया कंडीशन वाला हिस्सा. आप कहते हैं सर did कहाँ गया? आपने तो बोला I was a teacher, I was not a teacher. Was I a teacher? Did कहाँ गया? मैं कहता हूँ अभी आएगा ना did. Okay? Property की तरफ आते हैं. प्रॉपर्टी में आएगा और प्रॉपर्टी में आके बड़ा परेशान करेगा. कंडीशन के तो ये सेंटेंस हो गए, आई वॉज अ टीचर, आई वॉज नॉट अ टीचर, वॉज आई अ टीचर. प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं. क्या बात करता था स्टेट वर्ब पास्ट सिंपल का, कि भाई ऐसी कंडीशन, ऐसी प्रॉपर्टी जो पास्ट में थी, प्रेजेंट में नहीं है. मैं कहता हूँ कोई पास्ट की प्रॉपर्टी बता दें. सलमान को कहता हूँ, सलमान कहते हैं वेरी सिंपल, कहते हैं आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था, अब नहीं है. आई हैड मनी, हाँ, I had money. मेरे पास पैसा था, अब नहीं है. मैं कहता हूँ क्यों नहीं है? तो मिर्जा गालिब का शेर सुना देते हैं मुझे. मिर्जा गालिब का कहते हैं मोहब्बत ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी हम भी थे काम के. ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये तो कहते हैं मोहब्बत ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी हम भी थे काम के. I had money, मेरे पास पैसा था. सलमान कहते हैं, सलमान जबरदस्त नाम है. सलमान, सलमान और सुलेमान, सलमान, यस, सलमान अल्लाह के नबी के जो है ना दोस्त का नाम है, सहाबी है, रसूल का नाम है सलमान. पूरा नाम क्या था? हाँ हाँ, पूरा नाम क्या था सहाबी का? हाँ, और ऐसे ऐसे सहाबी, इन पे झगड़ा भी हुआ है भाई. मक्के वालों ने कहा किसी काम के ऊपर, खंदक खुदाई, खंदक, हाँ नहीं सलमान था, खंदक की खुदाई पे झगड़ा हुआ. मदीने वालों ने कहा, ये दो ग्रुप थे ना मक्के वालों के और मदीने वालों के, मदीने वालों ने कहा ये हमारे ग्रुप में है. मक्के वालों ने कहा नहीं, ये आपसे पहले ही मदीना आ चुके थे तो ये मदीने वालों में शुमार होंगे, ये मदीने वाले हैं. मक्के वालों ने कहा नहीं, ये हम में से हैं क्योंकि ये मदीने वाले नहीं हैं. झगड़ा हो गया. फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हाँ भाई किस तरफ हैं? तो उन्होंने कहा ना ये मक्के वालों की तरफ है, ना ये मदीने वालों की तरफ है, ये मेरी आल में से हैं, मेरे घर वालों में से हैं. ये उनको टाइटल दिया उन सहाबी को. उनका नाम क्या था? हाँ, वेरी गुड, सलमान फारसी. फारस से ताल्लुक था, फारस से ताल्लुक था. फारस उस टाइम की सुपर पावर थी और फिर जो है ना मुस्लिम्स ने उसको उल्टा पुल्टा दिया भाई, वो अपना फारस. तो सलमान फारसी नाम था, बड़े ही करीबी जो ना प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम, हुज़ूर सल्लम से बड़े करीबी थे. तो वेरी नाइस नेम सलमान. एनीवेज, कहते हैं आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था. वी हैड पॉइंट्स, हमारे पास पॉइंट्स थे. मैं कहता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी कल, तो आप अपनी प्रॉपर्टी बताते हैं. कहते हैं यस सर, बिकॉज वी हैड पॉइंट्स, हमारे पास पॉइंट्स थे. अच्छा, अभी की बात हरगिज नहीं हो रही है, सिर्फ मैं कहता हूँ हसन आपने सबको कल ट्रीट दी, वो वाला जूस पिलाया जिसको खुलते तो आवाज आती है ठस करके, कोई करीब खड़ा हो वो डर जाता है एकदम, क्या हुआ क्या है, सोडा या क्या बोलते हैं उसको, हाँ लिमका या कुछ. वो मैं कहता हूँ आपने सबको ट्रीट दी, वो जूस पिलाया, तो आप कहते हैं यस सर आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे इसलिए मैंने ट्रीट दी. लाइक ऐसी प्रॉपर्टी जो पास्ट में थी. शी हैड अ कार, मैं कहता हूँ आतिका आप सबको लेके गई साथ, बाय फादर लेके गई, क्या
आप कहते हैं यस सर ये लेके गई बिकॉज शी हैड अ कार, इनके पास कार थी, शी हैड अ कार. तो ज्यादा लोग हैं सुजुकी में आ जाएंगे, सुजुकी में आ जाएंगे, चिंगची में आ जाएंगे, चिंगची में पीछे बैठ जाएंगे, चिंगची में बैठेंगे. सलमान को चिंगची के बराबर में एक बंदा नहीं बैठा वहां पे, क्यों करके जो बैठते चिंगची में आगे, वो आगे बैठते ना चिंगचिंग में, वो चिंगची वाले से यारी दोस्ती भी बना लेता है थोड़ी. हाँ भाई क्या हाल है, हाँ भाई काम लाजमी ये पूछे, काम वाम कैसा चल रहा है या नहीं है. और चिंगची वाला बताता है हाँ यार हल्का है, नहीं यार अल्लाह का शुक्र है ये वो. और आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे. अच्छा इसका नेगेटिव तो बड़ा ही आसान था, आई वॉज अ टीचर, आई वॉज नॉट अ टीचर, वॉज आई अ टीचर. इसका नेगेटिव एक्शन वाले की तरह बनता है, जैसे एक्शन वाले का बनता था ना, आई प्लेड क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड आई प्ले क्रिकेट. हाँ जैसे ये आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे. अब इसका नेगेटिव बनेगा आई डिड नॉट, और सेकेंड फॉर्म फर्स्ट में चेंज होगी. हाँ आई डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म क्या होती थी यहाँ पे जो लिखी थी हैव और हैज, तो आई डिड नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे. Have होगा ना, has नहीं होगी, has नहीं होगा. ओके और सवाल क्या बनेगा, did I have money, क्या मेरे पास पैसे थे. आप कहते हैं सर हम नहीं खेल रहे, हम नहीं खेल रहे, बहुत मुश्किल है, कोई आसान बताएं. मैं कहता हूँ बिल्कुल I had money. तो अमेरिकन जिस तरह बनाते हैं अक्सर नेगेटिव, I had money, I had no money, मगर कोई सवाल कैसे बनेगा फिर. सवाल के लिए तो हमें लगाना पड़ेगा ना did, उसमें तो फिर वैसे ही बनेगा ना did I have money. तो यू भी हो सकता है I had no money, ओके मेरे पास पैसे नहीं थे. ओके तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं दोनों की, कंडीशन और प्रॉपर्टी. तो पास्ट सिंपल इज अ लेक्चर, वी यूज इट टू टॉक अबाउट द कंडीशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ पास्ट. ओके द फॉर्मूला इज सेम लाइक एक्शन वन, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बट वी आर बाउंडेड, वी आर लिमिटेड दैट वी विल हैव टू यूज वर्ब सेकंड फॉर्म वाज वर एंड हैड. हेल्पिंग वर्ब इज डिड. ओके सो लेट्स हैव सम प्रैक्टिस, आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू. ओके बात करते हैं, कहते हैं मैं हेल्दी था. हाँ ना ये तो मैं हेल्दी हूँ, मैं आई वॉज हेल्दी. मैं हेल्दी नहीं था, क्या मैं हेल्दी था, वॉज आई हेल्दी. ओके आप कहते हैं मेरे पास बाइक थी. ओके मेरे पास बाइक नहीं थी, क्या मेरे पास बाइक थी. अच्छा मेरे पास बाइक थी, आई हैड, I had a bike. मेरे पास बाइक है. I have a bike. मेरे पास बाइक है. प्रेजेंट सिंपल में ले गया था आपको. ओके आई हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक थी. ओके मैं शॉपिंग मॉल में था. नाउ दिस इज प्रेजेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट. यस आई वॉज इन शॉपिंग मॉल, मैं शॉपिंग मॉल में था. मैं खुश थी, I was happy. मेरे पास खुशी थी. I had happiness. मेरे पास खुशी थी. Confidence को दोनों में ला रहा हूँ, सही है. मैं confident था. I was confident. मेरे पास confidence था. हाँ एक में condition है, एक में property है. I had confidence और I was confident. मैं मगरूर, arrogant. मैं मगरूर था. I was arrogant. मेरे पास गुरूर था. Arrogance. हाँ arrogant मगरूर और arrogance गुरूर. हाँ arrogant हम कहते हैं मगरूर शख्स को. ओके और arrogance कहते हैं गुरूर को. तो देखें ये बना हमारा condition, ये बना property. I was arrogant. I had arrogance. Yeah, come on, let's have some sentences. I want you people to make sentences now. 5 for the condition, 5 for the property. Okay, let's carry on.